मैं हूं आपका मेज़बान वकार हुसैन। सबसे पहले नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। कैनेडियन हुकूमत का ईरान के ख़िलाफ़ बड़ा फैसला, 34 ईरानी अहदेदारों और इदारों पर पाबंदी आयद कर दी गई। कैनेडियन हुकाम का कहना है कि ईरान पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद करेंगे। कैनेडा में एमरजेंसी एक्ट का इस्तेमाल, कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को गवाही के लिए बुलाया जाएगा। गवाहों की फहरिस्त में ट्रूडो समेत काबीना के 8 वज़रा शामिल हैं। कैनेडा में महंगाई से परेशान मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा, माहरीन ने इजाफे को नाकाफी करार दे दिया। माहरीन का कहना है कि मौजूदा तनासुब महंगाई से निमटने के लिए कम है। अमरीका ईरानी खवातीन के साथ खड़ा है। ईरान में मुजाहरों से मुतालिक अमरीकी सदर का बयान सामने आ गया। ईरान ने मुल्क में मुजाहरों का जिम्मेदार इसराइल और अमरीका को करार दिया था। रूस का जवाब इकदाम, मगरबी ममालिक पर बड़ी पाबंदी लगा दी। यूक्रेनी फ़ौज ने खैरसन में मास्को का दिफा तोड़ दिया। रूस का एतराफ़, यूक्रेन के मशरक़ी शहर लेमान पर दोबारा कब्जे ने रूसी फ़ौज की कमजोरियों को आश्कार कर दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल, जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कैनेडियन हुकूमत ने 34 ईरानी अहदेदारों और इदारों पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि कैनेडियन हुकूमत का कहना है ये काफ़ी नहीं है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कैनेडियन हुकूमत ने 34 ईरानी अहदेदारों और इदारों पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि कैनेडियन हुकूमत का कहना है कि ये काफ़ी नहीं है। ईरान में पुलिस की ज़ेर हिरासत लड़की की हलाकत के मामले पर पैदा शुदा सूरत हाल पर कैनेडा ने ईरान की 25 शख्सियात और 9 इदारों पर पाबंदी लगा दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कैनेडा की हुकूमत ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर लगाई हैं। कैनेडियन वजीर खारजा मिलानिया जूली ने ऐवान में सहाफियों को बताया, जाहिर है इस वक्त ईरान में जो कुछ हो रहा है वो मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। यह वही हुकूमत है जो खवातीन पर जुल्म कर रही है। यह वही हुकूमत है जिसने फ्लाइट PS752 को गिराया और इसलिए इस्तेस्ना कोई ऑप्शन नहीं है। उनका कहना था कि पाबंदियों का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि हम ईरानी हुकूमत पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालें, इसलिए हमने IRGC की क़यादत को निशाना बनाते हुए ये अहम पाबंदियाँ लगाईं। सब कुछ मेज पर है। जूली ने मजीद कहा कि ईरान के खिलाफ मजीद पाबंदियां बहुत जल्द आने वाली हैं। कनाडा की हुकूमत का मजीद कहना है कि पाबंदियां खवातीन पर ईरानी पुलिस के मुनज़्ज़म मज़ालिम और घिनौने इकदामात पर लगाई गई हैं। पाबंदियों में ईरानी फौज, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस वजारत के अहदेदार शामिल हैं। खबर एजेंसी ने ईरानी मीडिया के हवाले से बताया कि कनाडा ने ईरानी पुलिस पर भी पाबंदी लगाई है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को मैंडेट मुखालिफ मुजाहरों को ख़त्म करने के लिए एमरजेंसी एक्ट की दरख्वास्त करने के हुकूमती फैसलों की समातों में गवाही देने के लिए बुलाया जाएगा। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को इस साल के शुरू में मैंडेट मुखालिफ मुजाहरों को ख़त्म करने के लिए एमरजेंसी एक्ट की दरख्वास्त करने के हुकूमती फैसले की समातों में गवाही देने के लिए बुलाया जाएगा। पब्लिक ऑर्डर एमरजेंसी कमीशन, जिसकी सरबराही ऑन्टेरियो सुपीरियर कोर्ट के साबिक जस्टिस पॉल रोलो कर रहे हैं, अगले हफ्ते समात शुरू करने वाला है, जिसमें 1988 में कानून बनने के बाद पहली बार हुकूमत के इस एक्ट के इस्तेमाल का जायजा लेने का मैंडेट है। कमीशन के वकील की तरफ से तैयार की गई तकरीबन 60 गवाहों की इब्तदाई फहरिस्त को अभी मंजर आम पर लाना बाकी है। तहम मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें ट्रूडो समेत काबीना के 8 वज़रा शामिल हैं। पब्लिक सेफ्टी के वजीर मार्को मेंडिचिनो और नायब वजीर आजम और वजीर खजाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें गवाही के लिए बुलाया जाएगा। लिबरल हुकूमत ने अवामी इंक्वायरी के सरबरा पॉल रोलो की दरख्वास्त पर इतफाक करते हुए एमरजेंसी एक्ट की दरख्वास्त से मुतालिक
दस्तावेजात पर काबीना का एतमाद खत्म कर दिया है। इंक्वायरी में 39 अफराद और इदारे शामिल हैं, लेकिन ये कमीशन के वकला पर मुनहसिर है कि वो किसी को गवाही देने के लिए बुलाते हैं। हिस्सा लेने वालों को गवाहों पर जरह करने का मौका दिया जा सकता है। मुजवजा गवाहों की फहरिस्त में नाम निहाद आज़ादी के काफिले के कई रहनुमा भी शामिल हैं, जिनमें से कुछ इस वक्त मुजरिमाना इल्जामात का सामना कर रहे हैं। नेस, RCMP, ओटावा पुलिस सर्विस और ऑन्टेरियो सूबाई पुलिस के कानून नाफिज करने वाले अहलकार भी शामिल हैं। कैनेडा के कई सूबों में कम से कम उजरत हासिल करने वाले मुलाजमीन अब अपनी तनख्वाहों में इजाफा देख रहे हैं, ताहम मायरीन के मुताबिक ये इजाफा नाकाफी है। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के कई सूबों में कम से कम उजरत हासिल करने वाले मुलाजमीन अब अपनी तनख्वाहों में इजाफा देख रहे हैं, ताहम माहिरीन के मुताबिक ये इजाफा नाकाफी है। 6 सूबे ऑन्टेरियो, सैस्कीचुआन, मिनीटूबा, नोवा स्कॉटिया, न्यू बंसविक और न्यू फाउंडलैंड और लैब्राडोर ने अपनी कम से कम उजरत में इजाफा किया है, जो गुज़िश्ता हफ्ते से मौसर है। तनख्वाहों में इजाफे की लहर इस वक्त आती है जब जिंदगी गुजारने की लागत में इजाफा होता है। हालिया महीनों में कनाडा की सालाना अफरात ज़र की शरह तकरीबन 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। कम से कम उजरत ऑन्टेरियो में $15.50, सैस्कीचुआन में $13, मिनीटूबा में $13.50, नोवा स्कॉटिया में $13.60, न्यू बंसविक में $13.75 और न्यू फाउंडलैंड और लैब्राडोर में $13.70 है। कई सूबों में आने वाले महीनों और सालों में तनख्वाहों में इजाफे का शेड्यूल है। बहुत से लोग कम से कम उजरत को $15 फी घंटा तक बढ़ाने की कोशिश में हैं। मजदूरों के वकला का कहना है कि फवायद तवील अरसे से इल्तिबा में हैं, लेकिन उनका कहना है कि मुल्क भर में $15 फी घंटा का तवील चैंपियन हदफ अब महंगाई के बहरान से निमटने के लिए काफी नहीं है। वकला का कहना है कि जब हम अफराद ज़र और खुराक और रिहाइश की लागत को देखते हैं तो ये वाकई $20 फी घंटा या उससे जायद होने की जरूरत है। अमरीकी सदर जोसेफ बाइडन ने ईरान में जारी मुजाहरों से मुतालिक कहा है कि अमरीका ईरानी खवातीन के साथ खड़ा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमरीकी सदर जोसेफ बाइडन ने ईरान में जारी मुजाहरों से मुतालिक कहा है कि अमरीका ईरानी खवातीन के साथ खड़ा है। व्हाइट हाउस की जानिब से अमरीकी सदर का बयान जारी किया गया, जिसके मुताबिक जो बाइडन ने कहा कि ईरान में मुजाहरों में शामिल खवातीन और तुलबा के खिलाफ ट्रैक डाउन की इत्तिलात पर फिक्रमंद हूँ। अमरीकी सदर ने अपने बयान में मजीद कहा कि ईरानी हुक्काम को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे और लोगों के आजादाना एहतजाज के हक की हिमायत करते रहेंगे। इससे कबल पीर को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने महसा अमीनी की हलाकत पर मुल्क में जारी एहतजाजी मुजाहरों का जिम्मेदार इसराइल और अमरीका को करार दिया था। अपने खिताब में उन्होंने कहा था कि ईरान मुखालिफ एजेंट पैसे लेकर एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। आयतुल्ला अली खामनेई का कहना है कि मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि ईरान में होने वाले फसादात अमरीका और सहयूनी हुकूमत की जानिब से तरतीब दिए गए हैं, जिनमें उनसे पैसे लेने वाले उनके एजेंट हिस्सा ले रहे हैं और उसके लिए उन्हें बैरून मुल्क मुकीम ईरान के गद्दारों की हिमायत हासिल है। यूक्रेनी फौज ने रूस में जमशुदा इलाकों में पेशकदमी की है और खरसून में यूक्रेनी फौज ने रूस के दफाई पोजीशंस को तोड़ दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। यूक्रेनी फौज ने रूस में जमशुदा इलाकों में पेशकदमी की है और खरसून में यूक्रेनी फौज ने रूस के दफाई पोजीशंस को तोड़ दिया। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी फौज ने मशरकी इलाकों में भी पेशकदमी की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने फौजी पेशकदमी की तस्दीक नहीं की। दूसरी जानिब रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान ने खरसून में दिफाई पोजीशन टूटने की तस्दीक करते हुए कहा कि रूसी फौज ने यूक्रेनी फौज को शदीद नुकसान पहुंचाया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते रूस ने यूक्रेन के 4 इलाकों को जम करने का ऐलान किया था। रूसी सदर प्यूतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों को जम करने का बाज़ाब्ता ऐलान करते हुए कहा था कि डोनेस्टिक, लोहानसिक, खैरसून और जापोर्जिया के शहरियों को रूसी शहरियत दी जाएगी। रूस ने यूरोपीय ममालिक के कार्गो ट्रकों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। मगरबी ममालिक की जानिब से रूसी माल बरदार ट्रकों की अपने ममालिक में दाखिले पर पाबंदी के जवाब में मास्को ने भी ये इकदाम किया है। रवां साल में मगरबी ममालिक ने रूसी ट्रकों की अपनी सरजमीन पर आमदोरफ्त रोक दी थी। ये फैसला रूस के बायकॉट और पाबंदियों का एक तसलसल था। अब रूसी वजीर आजम ने एक हुक्मनामा जारी करके गैर दोस्त ममालिक की कंपनियों के लिए सड़क के जरिए कार्गो की नकलो हमल पर पाबंदी लगाई है। इस हुक्मनामे को वेब पोर्टल और ज़राए ब्लॉग के जरिए तशहीर करके आगाह किया गया है। हुक्म में दो टोक कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन के ममालिक
यूक्रेन और बर्तानिया भी रूसी सड़कों के जरिए कार्गो की नकलो हमल नहीं कर सकेंगे। यह हुक्मनामा 10 अक्टूबर से नाफजल अमल होगा और इसकी मियाद 31 दिसंबर 2022 तक होगी। टैक टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी।